भोजपुरी की पांच ऐसी हीरोइनें जिसे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने सुपरस्टार बनाया, लेकिन आज उनमें से कुछ हीरोइनें हैं जो कि ये खुशी खुशी स्वीकार करती हैं कि उन्हें पावर स्टार ने ही सुपरस्टार बनाया है। तो कुछ ऐसी हैं जो पहले ये बातें कबूल करती थी और अब नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि पांचवें नंबर पे कौन सी वो हीरोइन है जिन्होंने पवन सिंह के साथ जब जोड़ी बनाई तो रातों रात उनकी पॉपुलैरिटी दुगनी हो गई। हम बात कर रहे हैं आम्रपाली दुबे की। जी हाँ, आम्रपाली दुबे वैसे दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ फिल्में तो कर रही थी, लेकिन उन्हें सुपरस्टार का दर्जा नहीं मिला हुआ था। जैसे ही उन्होंने फिल्म सत्या का वो गाना जो कि आज भी पवन सिंह के फैंस की जुबां पर है उसे पवन सिंह के साथ किया तो वो रातों रात भोजपुरी की सुपरस्टार नायिका बन गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिया बुता के पिया क्या क्या किया गाने की। और इस गाने को जब आम्रपाली ने पवन सिंह के साथ किया तो वो रातों रात सुपरस्टार बन गई और लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया। तो आपको मानना पड़ेगा कि आम्रपाली पहले स्टार थी, लेकिन पवन सिंह के साथ आने के बाद वो सुपरस्टार बनी। अब बारी आती है हमारी चौथे नंबर की एक्ट्रेस की। चौथे नंबर की हमारी एक्ट्रेस है स्मृति सिन्हा। जी हाँ, आजकल पवन सिंह के साथ इनकी जोड़ी बखूबी जमी हुई है। स्मृति सिन्हा ने जब एक बार भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा तो खेसारी लाल यादव के साथ उन्हें दर्शकों का खूब सारा प्यार मिला और उन्होंने तब पवन सिंह के साथ भी फिल्में की, लेकिन उन्होंने सफलता का असली स्वाद पवन सिंह के साथ अपनी दूसरी पारी में चखा। जी हाँ, आज स्मृति सिन्हा जिस तरह के सफल भोजपुरी अभिनेत्रियों में से है उसमें कहीं ना कहीं योगदान सुपरस्टार पवन सिंह का है ही। हाँ, एक दौर था जब उन्होंने फिल्में छोड़ दी थी, लेकिन जब उन्होंने वापसी भी की तो उन्हें उस तरह का रिस्पांस नहीं मिल रहा था, लेकिन अब पवन सिंह के साथ जब से वो अपनी दूसरी पारी में फिल्मों में लगी हैं, फिल्में कर रही हैं, तब से उन्हें बहुत ही ज़बरदस्त सफलता हासिल हुई है। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब बारी है तीसरे नंबर की एक्ट्रेस की। तो वो तीसरे नंबर की एक्ट्रेस हैं डिंपल सिंह। डिंपल सिंह ने भले ही अपने करियर की शुरुआती दिनों में खेसारी लाल यादव, राकेश मिश्रा और अरविंद अकेला कल्लू के साथ काम किया, लेकिन डिंपल को असली सफलता मिली पवन सिंह के साथ। जी हाँ, डिंपल को असली सफलता मिली पवन सिंह के साथ। पवन सिंह के साथ स्टेज शो, पवन सिंह के साथ बैक टू बैक कई गाने, उसमें से भी मीठा मीठा बात है कमरिया की बात करें तो भाई उस गाने ने तो तबाही मचा दी थी। तो ऐसे में डिंपल को लोग पहचानते जरूर थे, वो स्टार थी, लेकिन सुपरस्टार वाला दर्जा उन्हें पवन सिंह के साथ गाने करने के बाद ही मिला। अब बारी है हमारे दूसरे नंबर की एक्ट्रेस की जिसे कभी पवन सिंह के दिल में जगह मिली थी, लेकिन आज पवन सिंह उसे देखना पसंद नहीं करते। आप सही समझ रहे हैं, हम अक्षरा सिंह की बात कर रहे हैं। ये तो सभी जानते हैं कि अक्षरा सिंह को स्टार से सुपरस्टार और गायक से सुपर गायक पवन सिंह ने ही बनाया, लेकिन ये बात और है कि अक्षरा सिंह अब इन सब बातों को नहीं मानती। पहले यही अक्षरा सिंह थी जो स्टेज से चीख चीख पुकार पुकार के अपनी सफलता का सारा श्रेय पवन सिंह को देती थी और कई स्टेज शो में तो पवन सिंह के पैर छूते भी वो नज़र आई हैं। और अब बात करते हैं नंबर वन एक्ट्रेस की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काजल राघवानी की, जिन्होंने खुले तौर पर ये कहा है कि उन्हें सुपरस्टार अगर किसी ने बनाया है तो पवन सिंह ने। जी हाँ, पवन सिंह और काजल राघवानी की जोड़ी सबसे सफल जोड़ियों में से है भोजपुरी की। आप देख सकते हैं उनके कैरियर ग्राफ को उठा के तो इन दोनों की फ्लॉप फिल्में हुई ही नहीं है एक साथ। इस बात को काजल राघवानी भी बखूबी जानती हैं, तभी तो वो कहती हैं कि भोजपुरी में मुझे सुपरस्टार अगर किसी ने बनाया है तो पवन सिंह ने बनाया। आप क्या कहेंगे हमारी इस रिपोर्ट के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए।